हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सो गाइस, आज यहाँ पे सहरी बना रही हूँ मैं, और चाय यहाँ मेरी बन रही है। और वैसे मैंने बना ली है रोटी, दो रोटियाँ बनाई और सालन है साथ में। और अशर रोज़ा रखेंगे आज। ईशान ने कहा था कि मम्मा मैं आज रोज़ा नहीं रखूँगा, तो उठा के तो आई हूँ लेकिन ईशान नहीं उठ रहा। अभी अशर थोड़ी देर में उठ जाते हैं तो फिर हम करते हैं सहरी, और इंशाल्लाह हम अपनी नमाज भी पढ़ेंगे। और चले आए अभी सहरी स्टार्ट करते हैं। अल्लाह मियाँ प्यारा शाह बिल्लू, कहाँ था तू? आजा आजा। गाइस, कल से मैंने इसको देखा नहीं था, और कितनी में वो थी, मैं कह रही थी यार पता नहीं कहाँ। ओ, सायरन भी बज चुका है, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया। मियाँ बच्चा, मियाँ बिल्लू, अच्छा अच्छा जल्दी आ जल्दी आ। गाइस, मैं इतनी टेंशन में थी, मेरे को ये हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं यार बिल्लू कहाँ चला गया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आ गया, ये बहुत खुशी हो रही कि मैं बिल्लू आ गया। बिल्लू आजा 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 ऊपर आजा, जल्दी आजा। सो गाइस, हमने यहाँ बोटी रख दी, खुद ही आएगा और बोटी खाएगा। अभी सहरी का टाइम ख़त्म हो चुका है और अभी अजानें भी हो रही हैं। देखा ये रहा मैं पाराशा, अजान भी हो रही है और ये बोटी भी यहाँ खा रहे। मियाँ बिल्लू जल्दी से बोटी खा, नहीं खा सक रहा, खा ले जल्दी खा ले। तो चलो गाइस, अभी अजान हो रही है, हम पढ़ते हैं नमाज। गाइस, हम लोग अभी उठ चुके हैं और ये रूहान आपको कुछ दिखाना चाह रहा है। ये नई नई चप्पल जो आपने कल ली थी ना, आज सुबह से मतलब हाँ रात में ली थी ना, तो ये कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मम्मा मैं चला जाऊँ चला जाऊँ चला जाऊँ अपने कजन को दिखाने के, कह रहे इब्राहिम के पास चला जाऊँ। हाँ रूहान बात सुनो इधर, आप चले जाओ। अब मैंने कहा नहीं, नहा लो रेडी हो जाओ फिर चले जाओ। अब ये रेडी हो चुका है, अब ये जा रहे हैं अपने कजन को अपनी न्यू स्लीपर दिखाने के लिए। बाय बाय रूहान। हाँ बाय बाय, ओके। जी कब से पीछे पड़ा हुआ था, 2 बजे से बोला था मम्मा मुझे जाना है जाना है जाना है, फिर मैंने कहा चलो आप चले जाओ, 5 बजने वाले हैं आप चले जाओ, तो फिर अभी ये चला गया है। बोलो गाइस, आज मेरा रोजा है। हाँ आज इसका रोजा है, आज इसके भाई ने नहीं रखा, ईशान का रोजा नहीं, आज सिर्फ इसका रोजा है। गाइस आज फिर संडे है, तो आज फिर हमें जाना है, तो हम हो गए रेडी, अब चलते हैं बाहर। तो गाइस हम आ गए हैं बाहर, हो रही है प्यारी प्यारी मीठी मीठी से। देखिए सन्नाटा छाया हुआ है पूरा, और स्पैरोज, पिजन्स, कोयल, इन सब की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए चप्पल तो मुझे अशर की नज़र आ रही है, अशर नहीं नज़र है, ये सारा झूले में बैठ रहे हैं मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चलो आ जाओ जल्दी ऊपर आ जाओ, और उसको भी बुला लो। हाँ हाँ चलो आ जाओ ऊपर, अभी आपको ढूंढ के दिखाओ, केरी मुझे ढूंढ के दिखाओ। ये री चलो अभी जाते हैं भाई, फ्रूट वगैरह कटिंग करते हैं, चलो जल्दी जल्दी चलो। गाइस अशर मेरी हेल्प करवा रहा है, ये देखें 1 2 3 एंड 4। ये अशर ने करी कटिंग, वाओ खुश हो गए। चलो इसके भी 4 पीस करो। तो गाइस यहाँ देखें अशर ना कटिंग कर रहे हैं बनाना की। गाइस यहाँ रोल्स वगैरह ये सारी कटिंग हो रही है, ये देखिए सारी ये बना ली, अब ये फ्रूट कटिंग हो रही है, फ्रूट के भी थाल्स बन रहे हैं। मुझे बनाना है कीमा, पूरा कीमा धो के रख दिए, अब मैं यहाँ कुकिंग कर रही हूँ, सालन बनाऊँगी क्योंकि सहरी के लिए सालन तो चाहिए यार। तो अभी यहाँ बन रहा है कीमा, कीमा मटर या कीमा आलू, दोनों में से कुछ एक तो बना ही लूँगी। सोच रही हूँ मटर भी डालूँ, लेकिन फिर
तरीके से कि शायद मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मटर नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू कीमा बनाऊंगी, वो भी भुना हुआ, शोरबे वाला बिल्कुल भी नहीं, भुना हुआ बनाऊंगी। तो चलें बस अभी ये मैं यहाँ कुकिंग कर रही हूँ और इंशाल्लाह आज रात ताक रात है, बड़ी रात है, तो दुआओं में याद रखिएगा हमें भी। और चलें हमारे व्लॉग को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो ताक रात आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।